अगली खबर गोंडा से, जहां एक युवक को अवैध असलाह लहराते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करना महंगा पड़ गया। कर्नलगंज पुलिस ने ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और अवैध तमंचा बरामद कर लिया। आर्म्स एक्ट के तहत उसे जेल भेजा गया है। पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने में जुटी है जो अवैध असलहे के साथ फोटो और वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। पर अवैध तमंचा के साथ वायरल हो रहा था, वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें अपराध और अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाया जा रहा अभियान के तहत इनको, एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके साथ अवैध तमंचा 315 बोर का मैं कारतूस बरामद किया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधि का। अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं और उसी उम्मीद से किसी से मिल रहे हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना आप देख रहे हैं, हो सकता है वो शादी का झांसा देकर आप ही को ब्लैकमेल करे। मुरादाबाद पुलिस ने कैसे ही गैंग को पकड़ा है, जहां शादी का झांसा देकर युवकों को फंसाया जाता था और फिर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था। आप भी देखिए, शादी के नाम पर लुट गए। अगर आपको है जीवन साथी की तलाश अगर आपकी आंखों में है शादी का ख्वाब तो हो जाइए सावधान और अलर्ट। जिंदगी में अच्छी नौकरी पाने का ख्वाब हर किसी के मन में होता है और फिर होती है एक अच्छे जीवन साथी की तलाश, जिससे जिंदगी गुलजार हो जाए। लेकिन सोचिए, जिसे जीवन साथी बनाने की चाह में है आप, वही दगाबाज और धोखेबाज निकले तो क्या हो। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में एक शख्स ने ब्लैकमेलिंग और ठगी की शिकायत की, लेकिन पूरा माजरा सुनने के बाद पुलिस भी सन्न रह गई, क्योंकि ब्लैकमेलिंग की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह में दो युवतियां थी जो दिखाती थी शादी के हसीन ख्वाब और फिर देती थी वारदात को अंजाम। दरअसल सचिन कुमार नाम के शख्स ने पुलिस से शिकायत की। संबल के चौधरी सराय का रहने वाला है सचिन। शादी के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने वालों का भंडाफोड़। दरअसल अपनी शिकायत में सचिन ने बताया कि उसे पता चला था कि मुरादाबाद की दो युवतियां शादी को इच्छुक हैं। मुरादाबाद में युवतियों से सचिन ने की मुलाकात। मुलाकात के दौरान युवती ने दिया मोबाइल नंबर। व्हाट्सएप पर युवती से सचिन की होने लगी बात। सचिन को मिलने के लिए युवती ने मुरादाबाद बुलाया। मुरादाबाद में युवती ने सचिन को एक घर में मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ थोड़ी देर बाद युवती चीखने लगी और सचिन पर छेड़खानी का आरोप लगाया। चीख पुकार सुनकर लोग जमा होने लगे। इस दौरान सचिन का आरोप है कि उससे पैसे भी छीने गए। थाना सिविल लाइन में एक व्यक्ति, सचिन नाम के व्यक्ति ने एक तहरीर दी थी, जिसमें उनका कहना था कि उनके, वो संभल के रहने वाले हैं, संभल के कुछ लोगों ने उनसे शादी का उनको वादा कराया था कि हम आपकी शादी करवाएंगे, और उनको लेकर के यहाँ सिविल लाइन में लेकर आया था। वहाँ पे दो महिलाएं थीं, जहाँ पे उन्होंने इनकी बात करवाई, नंबर का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद से उनकी व्हाट्सएप पे और अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से बातचीत होती रही। इसके बाद जो सचिन कुमार थे उनको यहाँ पे बुलाया इन्होंने। बुला करके जब यहाँ पे आए रात में, इनको घर के अंदर इन्होंने बंद कर लिया और तीन चार लोगों को, अपने दोस्तों को बुला लिया, और उनके ऊपर इन्होंने कहा कि आप छेड़खानी का मुकदमा लिखवाएंगे और रेप का मुकदमा लिखवाएंगे, नहीं तो हमें पैसा दो। और ज़बरदस्ती डरा के धमका के इनके पास से पैसे थे उसको लेने का प्रयास किया गया, जिसके बाद सचिन ने पुलिस से मामले की शिकायत की। और जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो सामने आया दोनों शातिर युवतियों का गैंग और प्लान। पुलिस ने दोनों शातिर महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में पता चला कि दोनों महिलाएं शादी के नाम पर ठगी करती हैं। शादी का झांसा देकर ब्लैकमेलिंग का है धंधा। पहले भी कई लोगों को बना चुकी हैं अपना शिकार। इनकी तहरीर पर जो दो महिलाएं थीं, जिनके जो यहाँ पे किराए का मकान लेके रहती थी, उनको गिरफ्तार किया गया है। इन महिलाओं का बेसिक काम ही यही है, ये लोग इस तरह से लोगों को झांसे में लेकर के शादी का वादा करती हैं, उनको झांसे में लेती हैं, फिर उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाने का डर दिखा करके उनसे पैसे का वसूली करती हैं। इस गैंग में कुल 6-7 लोग शामिल हैं, जिसमें 2 महिलाएँ हैं और 5-7 पुरुष हैं।
उन सभी की पहचान की जा रही है और जैसे ही उनके पहचान हो जाती है आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया, तो वही शातिर गैंग के और भी सदस्यों की तलाश की जा रही है। यही नहीं, लोगों को भी तलाशा जा रहा है जिनको इन महिलाओं ने अपने गैंग के साथ मिलकर शिकार बनाया। एबीपी गंगा के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट।